अनगुम जी, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं इस टाइम सिंध मौजूद हूँ, गंबट शहर के अंदर। और ये पाकिस्तान और गंबट शहर जो है वो मशहूर है गंबट हॉस्पिटल से। गंबट हॉस्पिटल पाकिस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और यहाँ लीवर ट्रांसप्लांट है, दिल का और बोन मैरो और हर तरह का यहाँ जो है ना इलाज होता है। और मतलब इतनी आला किस्म की इनके पास इक्विपमेंट मौजूद है जो कि पूरे पाकिस्तान में किसी के पास नहीं है। मैं आपको हॉस्पिटल दिखाऊँगा ये सारा। वो सामने आप नहर देख रहे होंगे, वहाँ से इसकी एंट्रेंस शुरू होती है और ये मेन गेट है इसका। और ये मस्जिद है सामने इसकी और सारी बिल्डिंग्स जो है ना वो वहाँ तक। बहुत बड़ा हॉस्पिटल है ये सिंध के अंदर। ये मेरे बिल्कुल साथ जो है वो लिवर ट्रांसप्लांट का जो है वो मौजूद है बिल्डिंग, और उसके साइड पे दिल का है, और बिल्कुल ये मेरे इस साइड पे जो है वो बोन मैरो है उसका मौजूद है, और मेन पे एमरजेंसी है, और हर किस्म का इलाज आपको यहाँ मिलेगा। ये देखें कितना प्यारा व्यू है सामने, ये सारा पूरा हॉस्पिटल के अंदर सारा व्यू आता है ये साइड पर। वो सामने गंबट शहर है उस साइड पर, और मैं आपको दिखाऊंगा। अभी नीचे भी जा रहा हूँ मैं, यहाँ से बिल्डिंग से नीचे उतर के नीचे जा रहा हूँ, मैं नीचे से दिखाता हूँ आपको। अच्छा, मैंने आपको बताया था मैं उस दरअसल ना उसके ऊपर खड़ा होता हूँ, उस बिल्डिंग के ऊपर। मैंने आपको बताया था बिल्कुल साथ जो है ना वो बोन मैरो जो ट्रांसप्लांट है उसकी बिल्डिंग है, और आगे से आगे जाएँ तो वो लिवर की है, और उससे आगे जाएँ तो हार्ट वालों की है, आगे एमरजेंसी है, और मतलब आपको हर किस्म का इलाज मिलेगा यहाँ जो आप चाहेंगे। और इतना अच्छा इलाज ये करते हैं ना, इतनी आला किस्म के इक्विपमेंट इनके पास मौजूद है। और मज़े की बात ये कि हर चीज़ फ्री, टोटल फ्री, क्योंकि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। हर चीज़ यहाँ आपको फ्री मिलेगी। आपको दवाइयाँ मैं आपको बताता हूँ कि दवाइयाँ आपको लेनी पड़ेगी बाहर से जाके, लेकिन उसके अलावा आपको जितना भी अंदर से इलाज होगा वो हर टोटली फ्री। जिस बिल्डिंग के ऊपर मैं खड़ा होता, ये कैंसर वालों की है, कैंसर केयर है, और इसके बिल्कुल साथ ये ICU भी है ऊपर कैंसर वालों का। और बिल्कुल इधर आए तो ये इसके साथ ऑर्गन ट्रांसप्लांट वालों का आता है, और इसके ऊपर साथ गंबट जो है वो हार्ट का जो है वो ये साथ बिल्कुल बिल्डिंग है उसकी। जो मैं जिस बिल्डिंग के ऊपर खड़ा था बताया था मैंने, बिल्कुल साथ हार्ट वालों की है। ये देख रहे हैं यहाँ से इसकी एंट्रेंस शुरू होती है, मेन एंट्रेंस की, ये एमरजेंसी है ऊपर, और वो एंड तक जाती है बिल्कुल एमरजेंसी जो है। और ये साइड में भी वो एंड तक इसकी बिल्डिंग्स है सारी, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई उन्होंने, और इतनी आला एक इनके पास हर तरह की मशीनरी मौजूद है ना कि आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। प्राइवेट से अच्छा जो है ना वही हॉस्पिटल है। यहाँ से इसकी मेन एंट्रेंस से शुरू होंगे तो आपको सामने एमरजेंसी नज़र आएगी, और इतना अच्छा इनका रिस्पॉन्स है एमरजेंसी का, मतलब सारा रिस्पॉन्स हर किस्म का ही अच्छा है। ये इसका बाहर का व्यू है, यहाँ बिल्कुल जो है ना वो नहर के साथ बना हुआ है ऊपर। ये इसकी एंट्रेंस है सामने, ये पुल क्रॉस करते हैं और साथ ही जो है ना इसकी एंट्रेंस शुरू होती है। यहाँ से देखें कितना बड़ा है, कितनी बड़ी बिल्डिंग्स है यहाँ की। अच्छा, इस इतना अच्छा इलाज यहाँ का है ना कि मैं आपको ज़रूर रेफर करूँगा कि आप ज़रूर आएँ। और इतने अच्छे डॉक्टर्स यहाँ मौजूद हैं ना कि, और गवर्नमेंट अस्पताल मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऐसा देखा कि इतना अच्छा उनका रिस्पॉन्स होता है, और हर चीज़ फ्री है। मेडिकल का थोड़ा सा शायद आपको सामान बाहर से लेना पड़ता होगा, जो उनके पास मेडिसिन मौजूद नहीं होती हैं। वो आपको सड़क के पुल के उस पार जाए ना सामने, मतलब वो सामने मेडिकल स्टोर है, वो आपको वहाँ से मिल जाते हैं। लेकिन अंदर जो ऑपरेट होगा, अंदर जो टेस्ट होंगे, वो हर चीज़ टोटल हर चीज़ फ्री है। लेकिन ऑन द अदर हैंड मसला ये भी होते हैं कि आपको गरीब आम जहाँ मौजूद होती है वहाँ इतना रश होता है कि लोग हॉस्पिटल्स कम है इस तरह के, तो लोग ज़्यादा आते हैं, तो उससे ये होता है कि मतलब फिर आपको सिफारिशें बहुत ज़्यादा चलती हैं। जो लोग दूसरे आते हैं और जिनकी सिफारिशें होती हैं तो उनका काम पहले होता है, तो ये बड़ा यहाँ जो है ना वो देखी गई ये चीज़ के सिफारिशों वालों को सबसे पहले आगे रखा जाता है, वो हर जगह होता है पाकिस्तान के अंदर। क्योंकि इस तरह का हॉस्पिटल मैंने पूरे पंजाब में नहीं देखा जो ये सिंध के इस शहर के अंदर बना हुआ है। अच्छा, इस हॉस्पिटल का क्रेडिट जो है ना वो शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को जाता है, जो कि ये वो बना गई थी, और लोग दुआएं देते होंगे उनको लिटरली। और ये अभी तक इसके अंदर रेनोवेशन चल रही होती हैं, मतलब नए से नए डिपार्टमेंट बन रहे हैं, नई बिल्डिंग्स बन रही हैं। मैं देखिए ना यहाँ काफ़ी बिल्डिंग्स जो है ना डिपार्टमेंट्स अंदर, बिल्डिंग्स के अंदर काफ़ी नए डिपार्टमेंट्स जो है ना वो बन रहे होते हैं। बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है माशाल्लाह। अच्छा, ये आप देख रहे हैं, ये मैं ना अब इस बिल्डिंग की बैक साइड पे खड़ा हूँ। वो सामने जो वो जहाँ से जंगल गुजर है ना उसके अंदर से ट्रेन गुजरती है, ट्रेन जो है ना वो जाती है सीधा कराची यहाँ से, तो ये गंबट के बिल्कुल साथ से गुजर के जाती है जो है ना ट्रेन, वो वहाँ से निकलते हुए सीधा उस साइड पर जाना, वहाँ उस साइड पर जाना, वहाँ कराची आता है उस साइड पर। कराची यहाँ से तकरीबन गंबट से जो है ना वो 4 से 5 घंटे का सफ़र है, 5 ही घंटे का सफ़र है, क्योंकि अंदर रोड काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो इस पर ट्रैफिक है। अभी तो मोटरवे बन रही है, यहाँ गंबट के पीछे शहर है वहीं तक ही बनी है, उससे आगे जो है ना वो मोटरवे बनी नहीं अभी तक, कराची तक नहीं बनी, लेकिन अभी काम रुका हुआ है वहाँ तक। अच्छा, जो लोग दूर से आते हैं ना तो उनके लिए मुश्किल सबसे बड़ी ये होती हैं इस हॉस्पिटल में आने की, कि उनको मिलते नहीं है जगह रहने की, नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ के आसपास कोई रूम नहीं है, कुछ भी नहीं है, लोग यहाँ फुटपाथों पर सो रहे होते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इतना बड़ा अपने हॉस्पिटल बनाया तो यहाँ के जो जहाँ जो लोग दूर आते हैं, दूर से आते हैं, मतलब दूर शहर से, जो शहर करीब करीब है उनको तो ना दें, कम से कम जो दूर से आते हैं उनको रहायश जो है ना वो कम से कम दिया करें। क्योंकि जो लोग पंजाब से, क्योंकि अब बहुत
दूर दूर से आवाम जो है ना यहाँ के ट्रांसप्लांट कराने और लिवर का और दिल का, क्योंकि गरीब लोग होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट, तो यहाँ आते हैं दूर से, तो उनके लिए रहाइश का कम से कम जो है ना वो बिल्डिंग्स बनाई जाए ऐसे कि उनके लिए कमरे उनको ना अवेलेबल किए जाए। मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आपने मोटा मरीज लेके आए तो ज़रूर लेके आए, इतना अच्छा स्टाफ है, इतना अच्छा हॉस्पिटल, सफाई का ख्याल बहुत अच्छा रखा जाता है, लिवर का और दिल का, बोन मैरो का और हर किस्म का जो इलाज है ना, हर किस्म का इलाज, हर चीज़ जो है ना वो ठीक होती है यहाँ से, तो ज़रूर आए यहाँ हॉस्पिटल लेके। अपना मैं सजेस्ट करता हूँ, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। और सेकंडली इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग मिलते हैं आपको, और अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।